नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। श्रीनगर में मारा गया सजाद अहमद नाम का आतंकी, 7 दिन पहले ही ज्वाइन किया था संगठन। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। नहीं रही डांस की मलिका सरोज खान, 71 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। लालू राबड़ी के राज में हुई गलतियों को लेकर तेजस्वी यादव ने मांगी माफी। यूपी के कानपुर में पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला, 8 पुलिसकर्मी शहीद। दिल्ली में कार में बरसाई बदमाशों ने गोलियां, रिटायर एएसआई के बेटे की मौत। कानपुर मुठभेड़ में एसटीएफ ने संभाला मोर्चा, मंडल सीमा सील, 500 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर। कानपुर में सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, मांगी घटना की रिपोर्ट। जाइडस कैडिला ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का किया दावा, डीसीजीआई ने क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, सीओ समेत 8 शहीद। वंदे मातरम मिशन के 4th चरण की शुरुआत, स्वदेश लौटेंगे भारतीय नागरिक। पुणे में एक दिन में 937 कोरोना केस, 14 की मौत। देहरादून में गरज के साथ तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में अब कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी फेविपिरावीर। उत्तर प्रदेश में 5 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, 2 डिप्टी SP किए गए सस्पेंड। डॉक्टर SK सरीन ने कहा कि देश के पहले प्लाज्मा बैंक में फिलहाल 300 प्लाज्मा स्टोर करने की क्षमता। देश में जल्द दौड़ेंगे प्राइवेट यात्री ट्रेनें, रेलवे ने मांगे प्रस्ताव। पूजा वेदी की बेटी अलाया ने पूरा किया 50 पुशअप का चैलेंज, वीडियो वायरल। एनिवर्सरी के लिए एक्साइटेड मीरा कपूर, कहा कि 5 साल पूरा होने में 5 दिन बाकी। WC फिक्सिंग में संगकारा से 10 घंटे तक पूछताछ, प्रताड़ित करने का आरोप लगा। नोएडा में पति के शराब पीने से तंग आई पत्नी, हाथ बांध कर बेलन से दबा दिया गला। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 36,000 अंक के पार। जून में UPI ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्तर पर, 2.62 लाख करोड़ का लेन देन। GVK ग्रुप के चेयरमैन पर केस दर्ज, 705 करोड़ के हेर फेर का है मामला। महाराष्ट्र के पालघर में झरने में डूबे 5 बच्चे, सभी की मौत।